अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आर्मी की ट्रेनिंग कर लूँगा, लेकिन जब आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे बोलते हैं कि अब ये हमसे नहीं होगी ट्रेनिंग। वो वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लोग भागने की कोशिश तक करते हैं। 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ये कोई मामूली बात नहीं है। 6 महीने का एक आर्मी का प्रोसेस होता है कि ट्रेनिंग सिखाने का। वो सिविल बंदे से एक फ़ौजी बनाते हैं और उस फौजी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उस्ताद अपने एक फ़ौजी को, कितने फ़ौजी होते हैं वहाँ पे सिविल लोगों को कितनी कोशिश करते हैं वहाँ पे सही करने की, लेकिन 6 महीने के अंदर इतना कुछ सिखा देते हैं कि जो सिविल बंदा होता है वो सिविल से फौजी बन जाता है। जब तक मार उस्ताद की नहीं लगेगी, जब तक ये कि हम पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही जो होता है उसका हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि उस्ताद अपने जो तरीके से सिखाता है उस्ताद वो उस्ताद होता है। क्योंकि बहुत से कहते हैं ना कि आर्मी की ट्रेनिंग में कर लूँगा, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग करना इतनी आसान बात नहीं है। बेरहम का के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बने। कहीं कहीं बेरहमी भी ज़रूरी होती है। हर जगह पे रहम का एक नहीं जाता तो बड़े लीडर तैयार नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि होता है ना कि मैं खुद पाकिस्तान आर्मी में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान आर्मी में गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, अल्लाह पाक ने मेरे को मेरे मेहनत का सिला दिया है, मेरे पेरेंट्स की दुआएं जो उनकी वजह से मैं आज कामयाब हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत दुआएं देता हूँ। अल्लाह पाक मेरे पेरेंट्स की लंबी उम्र रखे, उनको हमेशा खुश रखे, उनको और कायम रखे, उनको परवरदिगार उनकी हमेशा लंबी उम्र रखे, आमीन। बस ट्रेनिंग करना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत से कहते हैं ना मैं कर लूँगा ट्रेनिंग, लेकिन इतनी आसान बात नहीं होती ट्रेनिंग करना। और मैं पाकिस्तान आर्मी में बहुत मुश्किल से हुआ हूँ मैं पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बना हूँ, तो मैंने काफ़ी मेहनत की है मेडिकल में, फिज़िकल टेस्ट में। शुरू में जब मैं गया तो मेरी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए गया मैं अपनी, मेरी रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद मेरा फ़िज़िकल हुआ। फिज़िकल के बाद मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पास हुआ। उसके बाद मेरा रिटर्न टेस्ट में पास हुआ मैं, और मैं फिर मेरे को रेफ़र किया था CMHPNH शिफा से। मैंने अपने मेडिकल टेस्ट में फ़िट हुआ मैंने अपने सारे टेस्ट फिट करवाए, पास हुआ मैं उसमें भी। और मेरा ट्रेनिंग का प्रोसेस था, 1 साल के बाद मुझे ट्रेनिंग सेंटर से कॉल आई। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग जो हुई है हैदराबाद में हुई है, सिंध रेजिमेंट हैदराबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग भी मैं पास की है और आज मैं खुद सिपाही हूँ। तो ये मैसेज मैं उनके लिए देना चाहता हूँ जो कहते हैं ना कि हम ट्रेनिंग कर लेंगे पाकिस्तान आर्मी में, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि हर कोई नहीं कर सकता ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के लिए ना जिगरा चाहिए बहुत बड़ा, और अपने आप को मज़बूत बनाना चाहिए। तो मेरा बस यही था आप लोगों से कहना कि बस लीडर जो होते हैं ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, जो रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते हैं बेरहम बने। कहीं कहीं पे बेरहमी भी ज़रूरी होती है, हर जगह पे रहम खाएगा नहीं आएगा तो बड़े लीडर तैयारी नहीं कर पाओगे, इतना ही कह सकता हूँ मैं। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।